आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैरी भैवेजा जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन बनी सबसे पहली मूवी आई थी 1991 में त्रिनेत्र। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर, दीपा साहिब, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी। इस मूवी का बजट था 2,35,00,000 रुपये। इस मूवी ने भारत में कमाई की 3,55,00,000 की, दुनिया में 4,40,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1994 में दिलवाले। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, रीमा लागू, परेश रावल और गुलशन ग्रोवर। इस मूवी का बजट था 2,10,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 7 करोड़ की और दुनिया में कमाई की 12 करोड़ की और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1994 में इम्तिहान। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, असरानी और गुलशन ग्रोवर। इस मूवी का बजट था 1,90,00,000। इस मूवी ने भारत में 3 करोड़ की कमाई की और दुनिया में 6 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1996 में दिल जले। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, मधु, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी। इस मूवी का बजट था 5,55,00,000 रुपये। इस मूवी ने भारत में 9 करोड़ की कमाई की और दुनिया में 15,85,00,000 की कमाई की समय हिट साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2000 में दीवाने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अजय देवगन, उर्मिला मातोडकर, महिमा चौधरी, जॉनी लीवर और परेश रावल। इस मूवी का बजट था 8,50,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में 7 करोड़ की और दुनिया में 12 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2001 में मेरी बीवी से मुझे बचाओ। इस मूवी में लीड कास्ट में थे रेखा, नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और मुकुल देव। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 37,00,000 की, दुनिया में 73,00,000 की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2002 में कर्ज। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सनी देओल, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और आशुतोष राणा। इस मूवी का बजट था 11 करोड़। इस मूवी ने भारत में 9 करोड़ की कमाई की और दुनिया में 16 करोड़ की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2003 में कयामत। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अजय देवगन, सुनील शेट्टी, संजय कपूर, अरबाज खान, नेहा धूपिया और ईशा कोइक्कर। इस मूवी का बजट था 16 करोड़। इस मूवी ने भारत में 17 करोड़ की कमाई की और दुनिया में 28 करोड़ की कमाई की, बॉक्स ऑफिस इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2005 में मैं ऐसा ही हूँ। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अजय देवगन, ईशा देओल, सुष्मिता सेन और अनुपम खेर। इस मूवी का बजट था 7,50,00,000 रुपये। इस मूवी ने भारत में 2,86,00,000 की और दुनिया में 5 करोड़ की कमाई की, बॉक्स डिजास्टर साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में प्रोडक्शन बनी अगली मूवी आई थी करम। इस मूवी को डायरेक्ट किया था संजय गुप्ता जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा। इस मूवी का बजट था 6 करोड़। इस मूवी ने भारत में 5 करोड़ की और दुनिया में 8 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2006 में तीसरी आंख। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, नेहा धूपिया और मुकेश ऋषि। इस मूवी का बजट था 12,50,00,000 रुपए। इस मूवी ने भारत में 4 करोड़ की, दुनिया में 6,60,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के प्रोडक्शन बनी अगली मूवी 2007 में आई थी स्पीड। इस मूवी को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे संजय दत्त, उर्मिला मातोडकर, आफ्ताब शिवदासानी और जायद खान। इस मूवी का बजट था 9 करोड़। इस मूवी ने भारत में 1,13,00,000 की, दुनिया में 1,58,00,000 की कमाई के बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2008 में लव स्टोरी 2050। इस मूवी में लीड कास्ट में थे हरमन रवेजा, प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी और दिलीप ताहिल। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ रुपए। इस मूवी ने भारत में 11 करोड़ की, दुनिया में 18 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को कमाई के अनुसार से डिजास्टर करा दिया गया। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2014 में चार शहजादे। इस मूवी में लीड कास्ट में थे ओम पुरी, ये एनिमेटेड मूवी थी, इसमें ओम पुरी और हरमन भैवेजा जी के वाइफ थी। इस मूवी का बजट 20 करोड़ था। इस मूवी ने 70 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई। हैरी भैवेजा जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 2016 में चार शहजादे पार्ट 2।
इस मूवी में, यह भी एनिमेटेड मूवी थी, इस मूवी में हरमन वैजा, ओम पुरी और पवन कार्ला लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हरमन वैजा जी का मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके प्रोडक्शन और डायरेक्शन बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक फॉर फुल वीडियो।